हाय एवरीवन, आज फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन स्पिन में। और आज मैं थोड़ा काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था, कोंकण में मैं था। तो आज दोपहर के टाइम में थोड़ा सा टाइम भी था, तो यहाँ पर एक जगह पर आया हूँ कि जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत कोंकण के बहुत सारे लोग इस जगह को मानते हैं, कि जो कि है नाम इसका रेडी करके नाम है, जो वेंगुर्ला के अंदर आता है। तो ये मंदिर है अराउंड 1976 से है। तो यहाँ पर जब पुराने ज़माने में जब माइनिंग करते थे, उस टाइम यहाँ पर गणपति की एक मूर्ति मिली थी आदमियों को, तो उन्होंने यहीं पर उसका मतलब वो जो बोलते हैं स्वयंभू करके, तो ऐसा ही यहाँ पर किया है गणपति का जो मंदिर है ये, जो कि है वेंगुर्ला से अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास होता है, और सावंतवाड़ी से भी अराउंड उतना ही होता है। तो आए थे काम के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ का भी थोड़ा सैर करा देता हूँ, और मैं थोड़ा सा पिक्चर्स भी डालता हूँ। अंदर वैसे तो अलाउड नहीं है वीडियो करने का, तो मैं ऐसे ही फ़ोटो इसमें डालता हूँ बीच बीच में। और मेरे पीछे के साइड में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर समंदर भी है, मतलब दरिया है। और तो चलते हैं, छोटा सा शॉर्ट वीडियो है ये मेरा आज का, और कल भी मैं एक डाला था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए है। तो प्लीज़ आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो मैक्सिमम लड़कों तक नहीं पहुंच पाएगा। और मेरा जो मोटो है, खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा शेयर भी करो, ताकि जो नीडी पर्सन है उसको भी थोड़ा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए मेरी तरफ से। थैंक्स। जिसको चाहिए वो स्कूबा डाइव भी है यहाँ पे। तो अभी है यहाँ पर जो भरती जो बोलते हैं मराठी में, जो पानी समंदर का जब ऊपर आता है तो उसको भरती भी कहते हैं, तो वो तो अभी नहीं है, इसीलिए पानी बहुत सारा अंदर है यहाँ पर बह हुआ। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा भी है यहाँ पर, जो कि ठीक ठाक गणपति मंदिर के पीछे ही है, जो अभी दिखाया मैं वीडियो में दिखाया, वहाँ पर अंदर अलाउड नहीं था एक्चुअली वीडियो करना, लेकिन थोड़ा सा परमिशन लेके मैं फ़ोटो भी निकाला और वीडियो भी निकाला थोड़ा सा छोटा सा। तो ये है पूरा समंदर, पानी बहुत अंदर है तो पूरा यहाँ पर पानी पानी रहता है। बीच में दूर से अगर देखा जाए तो बीच में एक बड़ा सा पत्थर भी है, देख सकते हैं आप इसमें। तो ये पूरा नज़ारा जो है वो रेड्डी का है, रेड्डी गणपति बोलते हैं उसको, जो कि आता है सावंतवाड़ी और वेंगुर्ला के अंडर। और वहाँ पर ऊपर जो लास्ट वाला दिख रहा है बड़ा सा पत्थर, वहाँ पर एक बोले जाते एक पैलेस जैसा है, छोटा सा फोर्ट बोलते हैं उसको एक्चुअली, वो जो है तेरेकोल फोर्ट है। तो उस पर अभी दिसंबर महीने में तो बहुत सारे वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जो कि फॉरेनर रहते हैं, एंड ये द रेंट इज़ अराउंड 20-25,000 पर नाइट मिनिमम रहता है। तो वो जो तेरेखोल फोर्ट है, तो वो है वहाँ पर अंग्रेज़ भी थे पहले, तो उन्होंने उनके सेफ्टी के लिए यहाँ पर भी बनाए थे कुछ, तो यहीं से वो अंग्रेज जो है वो अंदर भी आए थे, इंडिया में एंट्री किए थे।
तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग जो कि मैं बनाया हूँ रेड्डी गणपति पे? तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और ऐसे ही वन स्पिन चैनल में आपको अलग अलग से थोड़ा सा घूमने के लिए भी मिलेगा बाहर, और वैसे ही आपको अलग अलग वीडियोस भी मिलेंगे। जैसे मैं इंट्रो में मेरे कहा था, मेरे आपको अलग अलग वीडियो भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आज का है तो दो तीन दिन मैं हूँ कोंकण में, तो मैं थोड़ा सा और एक खत दूसरा मैं ब्लॉग भी कोंकण के ऊपर ही मैं डालने वाला हूँ। सो प्लीज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।